जय हिंद। सातवें जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम है 20 जनवरी को, आप सभी को पता होगा। और अभी मैं अपने स्कूल में हूँ, ये नवोदय विद्यालय का हॉस्टल है, साइड में दिख रहा है आप सभी को। तो बहुत सारे बच्चों कमेंट कर रहे थे कि ओएमआर सीट हम कैसे भरेंगे, उसके बारे में बताइए। तो ओएमआर सीट आपको मैं भर के दिखा देता हूँ कैसे भरना है, पूरा सटीक तरीका से। जो बच्चे गोबर से गोबर होगा यानी बहुत कमजोर भी होगा, उसका भी ओएमआर सीट गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जितना भी मेहनत किए हैं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओएमआर सीट, क्योंकि ओएमआर सीट पर सही भरोगे तो ही आप आगे चलेंगे। चलिए पहले ओएमआर सीट आपको भर के दिखाता हूँ कैसे इसमें भरना है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है इस चीज़ को लेकर, ओएमआर सीट एग्जाम में कैसे भरना है। आपको जो पहला का चार है तो चार कैसे लिखना है, बहुत सारे दिक्कत होता है बच्चों को, तो ये क्लियर करने वाला हूँ। कौन सा कलम यूज करना है, और इतना समझ लीजिए जो बच्चे सबसे नीचा भी होगा ना वो भी पास हो सकता है नवोदय विद्यालय में, तो कुछ बात बताने वाला हूँ आपसे। तो साथियों इधर देख सकते हो, ये है ओमार सीट जो नवोदय विद्यालय में इसको भरना है। आपको जब एग्जाम देने जाओगे तो ये लेकर जाना पड़ेगा, ये एडमिट कार्ड को लेकर जाना पड़ेगा, आप सभी को जानकारी होगी। और ये सब तो क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे नवोदय विद्यालय में, सेम यही मिलेंगे, सील यहाँ पर पैक रहेगा। इसको कैसे भरना है वो पहले मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो को मत कीजिएगा बिल्कुल भी। क्या है कि साथियों मैं बताता हूँ, आपने अभी मेरा वीडियो देखा था, जैसे मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ और जो भी मैं बताऊँगा आप सभी के लिए भलाई के लिए ही बताऊँगा, कोई भी इधर उधर चीज़ नहीं बताऊँगा। तो पहले आप देख लीजिए, पहले मैं कैमरा को इधर घुमा देता हूँ और आप सभी को पूरा बारीकी से बताता हूँ कैसे इसको ओएमआर सीट को भरना है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, अभी क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, पहले हम लाते हैं इसका जो भी है, ये है यहाँ पर दिख रहा होगा एडमिट कार्ड, तो ये बच्चा का एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पढ़ लीजिएगा, इस बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। जैसे इसका नाम क्या है, इधर देखिए नाम है श्याम सिंह सिंह चंडल नाम है। तो यहाँ पर देखिए कि हमको क्या हम भरेंगे, श्याम सिंह चंडल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इधर देखिए सेम यही मिलेगा आपको, ये जो दिख रहा है 80, यहाँ पर 80 के अंक 80 क्वेश्चन का ओएमआर सीट यही दिखेगा आपको। पहले कैसे भरना है वो पहले बता देता हूँ। और जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में लिखाना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है श्याम सिंह चंडल, तो आपको सब बड़ा अक्षर में लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ श्याम, इस प्रकार से श्याम, बड़ दूर दूर में लिखिए ताकि अच्छा दिखे, श्याम सिंह, बस श्याम सिंह चंडल। मान लीजिए आपका नाम जो भी रहेगा उसी प्रकार से आप नाम लिख दीजिएगा, तो श्याम सिंह चंडल जो नाम रहेगा वही लिखेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में लिखा था श्याम सिंह। और उसके बाद क्या करना है, तो ये है रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर भरना है। सच में बहुत सारे बच्चों का इसी में दिक्कत होता है रोल नंबर कैसे भरेंगे, तो इधर दिख रहा होगा साथियों, मैं आपको फोन से ही बता रहा हूँ ताकि आप सभी को क्लियर कर जाए। तो रोल नंबर यहाँ दिख रहा है कितना है, 2978841, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2978841, तो मैं इस पर लिख रहा हूँ ताकि गड़े नहीं। तो यहाँ देखिए रोल नंबर है, आपको बारीकी से देखना है, क्योंकि अगर ये छटा जाता है आपको, अगर ये रद्द हो जाता है तो आपका चेक ही नहीं होगा कॉपी, हल्का सा भी गलत हो गया तो, इस चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, आपका इसी प्रकार का देखिए को मिलेगा। और यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ पे जैसे रोल नंबर यहाँ पे क्या है 2978841, तो आप बारीकी से इस जो बॉक्स है बॉक्स में लिखना है आपको, यहाँ पर दिख रहा है बॉक्स में, यहाँ पे बॉक्स में लिखना है टू, बॉक्स से बाहर नहीं आना चाहिए एकदम सटीक से, 97881, इस प्रकार से लिख देना है। बॉक्स से मेरा बाहर नहीं गया, बॉक्स से आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, बॉक्स से इसी बाहर जाएगा समझो कि आपका दिक्कत हो सकता है। बगल में देखिए प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका जो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए, जैसे आपको परीक्षा बता दो, देखिए परीक्षण का जो पुस्तिका क्रमांक जो है यहाँ पर देख दो, ये वाला है पुस्तिका कोड, देखो क्रमांक ये वाला है, क्रमांक ये वाला है, परीक्षण पुस्तिका ये है, यही कोड डालना है। कोड क्या है, 3217986, तो यहाँ पर लिखेंगे 3217, एकदम मिला मिला के लिखेंगे, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, कि गलती हो गया तो भैया आप पछता सकते हो, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं 3217986, ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को भाई मेरे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हो सबसे बहुत ज़्यादा गलती होगी, आपको क्वेश्चन को ही रद्द कर दिया जाएगा, आपको नहीं चेक किया जाएगा, जितना मेहनत की वो सब बेकार हो जाएगा आपका, जो बच्चों का 20 तारीख के एग्जाम में ध्यान देना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर आती है, और साथ उससे पहले आप सभी को एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ, जो बच्चे नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हो, आपका अभी 5-10 दिन भी अच्छे तरीके से नहीं बचे हैं, कैसे तैयारी करना है। साथियों तैयारी करने के लिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एक फ़ोन नंबर, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करने के बाद आप सभी को मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, व्हाट्सअप करने पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो समय और कार्य का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से नवोदय विद्यालय में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे, जैसे समय कार्य से क्वेश्चन हो गया, इसमें मात्र 20-25 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है लघुत्तम समर्थम का क्वेश्चन हो गया, इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे इसमें देख सकते हो संख्या और संख्या प्रणाली है, आपको सबको सेंड किया जाएगा, इस चीज़ को प्रैक्टिस
कर लोगे तो 100% कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय विद्यालय में, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि बहुत कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा, 100% कन्फर्म। इसलिए इसको जल्दी से आप खरीद लो, छत्रपति के क्वेश्चन, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे पास पड़े हुए हैं। आप सभी को देखो, ये प्रीवियस ईयर के प्रोजेक्टिव सेट पेपर है, मॉडल सेट पेपर है, ये चीज़ को आप इसको खरीद लो, इसको परचेस कर लो मेरे भाई। जो भी नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हो, नवोदय विद्यालय का लाभ उठाना चाहते हो, तो ये आपको PDF के रूप में आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी तरीके से। ये फोन नंबर मिल रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, हाय लिख के उसके बाद बोलना है JNP PDF चाहिए। जैसे आप JNP PDF चाहिए लिखकर भेजोगे, तो यहाँ से हमारे टीम द्वारा आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा, फोनपे का स्कैनर सेंड किया जाएगा। उस स्कैनर पर आपको 99 रुपये पे करना है, 100 रुपये से 1 रुपये कम, 99 रुपये सेंड करना है, और सेंड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो आपके पास सारा कुछ इसमें जितना कुछ PDF के रूप में है, जितना PDF के रूप में सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है लाभ देखने को मिला है, और इतना समझ चलो साथियों कि गारंटी है सिलेक्शन का। जो बच्चों सिलेक्शन कर लेता है, बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। तो अभी भी बहुत कम समय है आपके पास, खरीद लो और मात्र इसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो, गारंटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी से क्वेश्चन ही आएगा, उसी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसमें। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, इस सब की बात बताते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आते हैं, बात इसको हटा देते हैं थोड़ा। तो इधर देख सकते हो साथियों, एडमिट कार्ड में क्या है, यहाँ पर एडमिट कार्ड में देखिए आपका रोल नंबर यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है उत्तर पुस्तिका नंबर यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, जैसे 2 है तो 2 के नीचे यहाँ पर 2 देखेंगे, देखिए आपकी 2 क्या हुआ, तो 2 के नीचे जो है ना यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 2, देखते रहना है 2, तो 2 के ऊपर ऐसा गोला करेंगे कि गोला जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इधर हमारे तो बाहर नहीं निकला है, यहाँ पर देख सकते हो, तो एक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है, तो 9 हो गया। तो 9 के नीचे देखेंगे, 9 के नीचे यही लाइन में देखेंगे, यही लाइन में 9 कहाँ है, 9 यहाँ है, देखिएगा सर तो मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे आपका रोल नंबर कुछ और रहेगा तो आपका कुछ और रखिएगा, 2 9 यहाँ पर हो गया, आपको पता चल गया होगा। उसके बाद 7 होगा, 7 देखेंगे, 7 देखेंगे, 7 कहाँ गया, 7 कहाँ गया, 7 कहाँ है, 7 कहाँ, यहाँ है 7, तो इसी लाइन में देखेंगे। और इधर देखते रहिएगा आप लोग कैसे नंबर बनाना है इस चीज़ को। ये जो PDF दिख रहा है ना, ये PDF भी आपको सेंड किया जा रहा है बिल्कुल भी, इसमें साथ में फ्री है, आपको 99 रुपये सेंड करने के बाद सब कुछ फ्री आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप इसको तैयारी कर लीजिएगा, जितना तैयारी की वो बस बना कर देख लीजिएगा, गारंटेड है 100% कन्फर्म है तरह सिलेक्शन का। तो बहुत सारे बच्चों का, जैसे पिछले साल ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, खुद हमारे नवोदय विद्यालय से ही 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, पूरे ऑल इंडिया से 600-650 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हमारे PDF के पढ़ने के बाद। तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट देखने को मिला है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो आप जल्दी से ये PDF को भी खरीदो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, उस पर आप जो है प्रिंट करवाकर आप तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद 8 देखेंगे, 8 रोल नंबर कहाँ है, तो 8 देखेंगे, 8 कहाँ है, 8 कहाँ है, इसी लाइन में जो लाइन में आपका 8 लिखा हुआ है उसी लाइन में नीचे में आपको लिखना है आपका। अब बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बात है कि कौन सा कलम यूज करना है, तो कलम आपको ब्लैक ही यूज करना है, ब्लैक, ब्लू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू में आपको दिक्कत हो सकती है, ब्लैक यूज करना है। अब ब्लैक कौन सा, एल्कोज अल्फा कलम ले लीजिएगा, सब बॉल पेन यूज करना है, और दूसरे आलतू फालतू पेन नहीं यूज करना है। अब जैसे 8 यहाँ पर है, तो फिर से 8 यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर से 8 लिखेंगे। और इसके बगल में आप ये देखना है साथियों मेरे भाई, देखो बिल्कुल भी बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और आधा रंग नहीं होना चाहिए, पूरा रंग होना चाहिए, भाई पूरा रंग हुआ है, बॉक्स से बाहर नहीं निकला है। अब यहाँ पर दिखा दो साथियों, 4 है, तो 4 देखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 के लाइन में, इसी के लाइन में देखेंगे, इसी के नीचे देखेंगे, तो 4 यहाँ पर है, तो 4 लिख भरेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, मेरा जो है लाइन से बाहर नहीं जा रहा है, तो लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका जो है दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर 1 है, तो 1 जो है यहाँ पर आपका जो है एक यहाँ पर नंबर काउंट नहीं होगी, अगर आप लाइन से बाहर करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन को ई आंसर शीट को ही रद्द किया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होता है। यहाँ पर 3 2 1 7 9 8 6 है, तो 3 7 1 8 9 6 है, वो भरना है, कैसे भरेंगे वो पहले बताता हूँ। तो इधर देख सकते हो मेरे भाई, आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना पहले, आप सभी नहीं तो बच्चों पछता होता होगा। यहाँ देखो इसी प्रकार से भरना है, 2 है तो 2 में ध्यान देना है कि यहाँ पर ही हो गया, 2 भरना है आपको, पहले क्वेश्चन भर के बताता हूँ। 1 हो गया तो 1 वैसे भरना है, और 7 है तो 7 इस प्रकार से भरना है, आप ये चीज़ को देना, उसी के नीचे भरना है, उसी के नीचे। हम लोग ऐसे ही भर के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुए, हम लोग का भी इसी प्रकार से हुआ है। तो 9 यहाँ पर हो गया सर, तो आपको पता चल गया है। अब इधर देखिए 8 है, तो 8 भी यहाँ हो गया, तो आपको दिख गया होगा। और इधर देख सकते हो ऊपर में 6 है, तो 6 भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और पिता का नाम लिखना है बड़ा अक्षर में, जैसे इस आपका एडमिट कार्ड में जो पिताजी का नाम रहेगा, जैसे यहाँ भूपेंद्र सिंह है, तो यहाँ पर लिखेंगे भूपेंद्र सिंह बड़े अक्षरों में। तो बड़े अक्षरों में कैसे होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे आपका पापा का नाम अलग होगा, तो अपना पापा का नाम अलग है भूपेंद्र, सब बड़े कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर भूपेंद्र सिंह लिख लिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब आता है इधर डेट, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, सेंटर कहाँ से है।
तो जैसे स्टेट हो गया, तो स्टेट आपका जो है किस राज्य से बिलोंग करते हो, तो स्टेट में आपका जो है यहाँ पर कोड रहता है स्टेट का, ये साथ हो आपका जो है फील्ड बाय एलिगेटर, ये आपको नहीं भरना है। बहुत सारे बच्चे भर देते, ये नहीं भरना है आपको। जो यहाँ पर आपको एक जो गाइड रहेंगे, जो वहाँ पर टीचर रहेंगे आपको एग्ज़ाम देते समय, वो भरेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ आपको खुद नहीं भरना है, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इस चीज़ को नहीं भरना है आपको, ध्यान रखिएगा। अब चलिए मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। आप सभी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको तो फिल भरने में दिखा दी, अब इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये प्रश्न दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे आपको दिखा दो तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, पहला कि इसमें से कौन सा सही है, आप लोग देखिए बताइए। तो पहला कि ये जो है ये वाला है, आपको ये वाला है देखिए बताइए। जैसे इसमें आपको देखना है कि 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 ऑप्शन खराब है, 1 ऑप्शन गलत है। तो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है मेरे साथी को, और इस पहला में जो है यहाँ पर 20 से निकला हुआ है, इसमें भी 20 से निकला हुआ है, इसमें भी 20 से निकला हुआ है, लेकिन इस कोना पर निकला हुआ है, तो ये जिसका सही हो जाता है। तो पहला का 2 है, तो हम यहाँ पर भरेंगे देखिए। उसके बाद पहले जो है, पहले एक चीज़ को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पहले खुद से जो है इसमें भर लीजिएगा, पहले इसमें भरने के बाद दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा। पहला का 2 है तो पहला ही मारना है हमको। यहाँ देखिए पहला का 2 है तो पहला के 2 मारना है, तो बी ए का बी है तो बी मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे, उसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर चौथा के जो है यहाँ पर, चौथा के जो है यहाँ पर चेक करना है, चौथा में कौन सा अलग है, चारों में से कौन सा अलग है। तो इसमें भी मुँह खुला है, इसमें भी मुँह खुला है, इसमें भी मुँह खुला है, इसमें मुँह बंद है दोनों तरफ, तो ये सबसे अलग है। तो चौथा के 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चौथा में जाएंगे, चौथा में 4 आंसर मारेंगे। तो आपको जो भी बुझाएगा ऐसा, तो मार के सब कुछ आना है। एक जो समझ में नहीं आएगा उसको तब भी मारना है, अनिवार्य निशाना लगा के ही मारना है, क्योंकि छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ के आपको आवेदन करने सिखा दिया। अब यहाँ पर सबसे आपको क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रनिंग हैंड, तो आपको जो है यहाँ पर साइन करना है अपने हाथ से। जैसे मैं यहाँ पर साइन करके दिखा देता हूँ, आपने साइन करना है। जैसे मैं यहाँ पर साइन कर देता हूँ, साइन यहाँ पर कर दिया मैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पर साइन करना है। जब आपको मिला जाएगा तो वो आपको टीचर साइन करवाएगा, यहाँ पर चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये सब, तो ये जो ये सब दिख रहा है, ये सब ये जो यहाँ पर टीचर रहेंगे वो भरना है। अब इसके अलावा इधर उधर जैसे यहाँ पर मैं छेद दिया, ऐसा आपका हो जाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ छेदना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो आपको पूरा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ मेरे भाई, छोटे भाई जो भी देख रहे होंगे इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ। अब आप बात आता है साथ इसका, इसमें आपका 80 नंबर तक आप क्वेश्चन बनाते हो, तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन का जो अंक है आपको पता होगा ये जो है टोटल 100 नंबर के होते हैं, लेकिन 80 प्रश्न होते हैं। समझ में आ गया ना मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपको जो है तैयारी करना है, उसी प्रकार से एक जो है क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, तो आपका एक भी गलत हो जाएगा समझो कि दिक्कत हो जाएगा, 1 नंबर के लिए बच्चे फेल हो जाते हैं नवोदय विद्यालय में। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और इससे तो ये जो स्कैनर रहेगा, ये स्कैनर उस सरकार जो कॉपी चेक करेगा, आप जो कॉपी जमा की जगह उन्हीं के पास जाता है, तो स्कैनर रहेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर कॉपी का नाम रहेगा। जैसे पुस्तिका कोड है तो यहाँ पर एक पुस्तिका, तो यहाँ पर हमारा जो है ए ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर आपका ए ही रहेगा, ये एफ अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर भी एफ रहेगा, पुस्तिका कोड ये कोड होता है, ये ऑलरेडी रहेगा आपको। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, मैं एग्जांपल के लिए बताया हूँ। और इसमें जैसे क्वेश्चन पेपर है, ये आपको सब कुछ सेंड किया जा रहा है बहुत कम दामों में, बहुत हजारों बच्चों खरीद लिए हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हो ऊपर, पर डे खरीद रहे हैं मेरे भाई, पर डे बहुत बच्चों खरीद रहे हैं। अभी तक उनका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, आप क्यों पीछे हो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। जिन्होंने नहीं खरीदा जाएगा खरीद लीजिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कोई भी डाउट रहेगा कमेंट कर बताइएगा। आपको MR sheet भरने, आप सभी को मैं बता दिए, आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा मेरे भाई कि आपको और वीडियो चाहिए नवोदय से रिलेटेड। जैसे नवोदय का ब्लॉग को बता दूंगा कि नवोदय में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, वो सब चीज़ें आप लोग कमेंट करके मेरे जरूर मेरे को बताइएगा। यही वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।